माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 54 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारा, इफ पी इज ए कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट, नॉट ऑन ए कंस्ट्रक्टेबल लाइन। एक कंस्ट्रक्टेबल लाइन है L और पॉइंट है P। P जो है वो L पर नहीं है। देन शो दैट लाइन थ्रो P परपेंडिकुलर टू L इज कंस्ट्रक्टेबल। इस लाइन का मतलब है कि हम एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो P में से गुजरे और L के ऊपर वो परपेंडिकुलर हो। ओके, सॉल्यूशन। लेट क्यू बी ए कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट ऑन एल। क्यू को हमने कंस्ट्रक्टेबल एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, एक लाइन उसके ऊपर एक पॉइंट लिख दिया, इसका नाम है क्यू। अब एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। लेट C बी द कंस्ट्रक्टेबल सर्कल जिसका सेंटर P है एंड पासिंग थ्रू Q है। यहां पर दो सिचुएशनें हो सकती हैं। दो सिचुएशन कैसी हो सकती हैं? इफ सी यानी कि करो मीट्स ए लाइन एट क्यू, ठीक है। यदि ये करो इस लाइन को क्यू पर ही मीट कर रहा है, ये लाइन एल थी, ये पॉइंट पी था, इससे क्या होगा? देन एल इज टेंजेंट एट क्यू, यहां पर ये क्यू टेंजेंट बनेगा टू सी एंड सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल इज कंस्ट्रक्टेबल। के सेकेंड, इफ सी मीट्स एल एट क्यू एंड आर टू पॉइंट्स। कैसे? ये लाइन है एल, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है पी। आपने ये सर्कल खींचा हुआ है, ये इसको दो पॉइंट पे काट रहा है, पी एंड क्यू एंड आर। सी ये करो एल को दो पॉइंट पर काट रहा है, वन इज क्यू एंड वन इज आर। देन सर्कल्स विद सेंटर एट क्यू एंड पासिंग थ्रू आर, यानी कि सर्कल यहां से, इस लाइन को मैं दोबारा बना रहा हूं, देखो ये पॉइंट पी, ये क्यू जी, आपने सर्कल ड्रा कर दिया, ये आर से गुजर रहा है।
अब आपने इसको सेंटर में आना और एक सर्कल ऐसे बना दिया। सिमिलरली इसको सेंटर मानोगे, एक सर्कल ऐसे बना दोगे। इस सर्कल की क्या खासियत होगी ये बताता हूं। सर्कल विद सेंटर एट क्यू एंड पासिंग थ्रू ओर कट्स द एनदर सर्कल विद सेंटर एट आर एंड पासिंग थ्रू क्यू। दोनों सर्कल जहां पर काट रहे हैं, ठीक है, दोनों सर्कल जहां पर काट रहे हैं ये एक लाइन बनेगी, ठीक है, ये क्या बनेगी, एक लाइन। ये लाइन कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगी, बट हम यदि इस डायग्राम को ध्यान से बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा वो देखो, ये आर, ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया। ये दोनों लाइनें जहां कट करेंगी ऊपर बढ़ाएं तो ये पी में से गुजरेगा। द लाइन ऑफ इंटर सेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेबल। ये लाइन भी कंस्ट्रक्टेबल है, बट ये लाइन कहां से पास करेगी, लाइन पास करेगी थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर होगी एल के। ये लाइन देखो, ज्योमेट्रिकल रूल बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखो कैसे बनाया, ये क्यू ये पी, ठीक है, आपने ये सर्कल बनाया पहला, ये कहां काट रहा है, आर पे। ये दोनों डिस्टेंस आपके सेम होंगे, रेडियस होंगे। फिर आपने इतना डिस्टेंस मानते हुए एक सर्कल खींच दिया, इतना डिस्टेंस मानते हुए दूसरा सर्कल खींच दिया। ये दोनों जहां पर काटेंगे दैट विल गोज टू कम्स टू पी, ये पी में से जाएगा और ये एंगल 90 का बनेगा। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, आप इसको ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, मेन टारगेट था या तो ये अपने आप ही यहां पर पेंडिकुलर बना था, यदि परपेंडिकुलर नहीं बना था, साइड में पी मिला था, क्यों मिला था, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ये क्या बना दिया, हमने लाइन बना दी, ये जहां पर टच कर रहा है एस, ये एस वो पॉइंट होगा जहां से पी से एस पर जो लाइन होगी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट क्यू, इसे हम फील्ड ऑफ रेशनल भी बोलते हैं, देन ए रियल नंबर अल्फा इज कंस्ट्रक्टेबल इफ एंड ओनली इफ वी कैन फाइंड रियल नंबर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन सच दैट अल्फा वन स्केयर रैशनल हो, अल्फा टू स्केयर
अल्फा क्यू अल्फा वन में, ये चीज इसमें हो, लाइक दैट ये चीज इसमें हो, एंड फाइनली अल्फा इसमें हो। देखिए अब कैसे करेंगे, इट इज क्लियर है दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इन क्यू इज इन क्यू। मीनिंग क्या है कि यदि कोई भी हम पॉइंट क्यू में लेते हैं उससे हम लाइन बनाते हैं। हमने पहले बताया था क्यू, क्यू का मतलब यदि कोई लाइन हम पॉइंट क्यू से लेते हैं, क्यू मतलब रैशनल से लेते हैं, तो उससे यदि हम कोई लाइन बनाते हैं तो उस लाइन के कोएफिशिएंट भी रैशनल आएंगे। यदि मैं कह दूं ये लाइन बनी, पहली लाइन जहां पर ए बी सी रैशनल है, दूसरी लाइन किसी ने ये बना दी, यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, पैरेलल ना होने का मतलब ये नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा और वो दोबारा से रैशनल होगा। तो इसका मतलब यदि दो लाइनें क्यू में हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्यू में होगा, ठीक है। अब इस बात इसका मतलब लाइन इंटरसेक्शन विद लाइन का तो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, यदि लाइन एंड ए सर्कल को डिस्कस करें, एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा। लाइन मतलब ये और सर्कल मतलब ये, यहां पर ए बी सी रैशनल हैं, यहां पर जी एफ डी रैशनल है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हो सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट ना निकले, यदि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके पास दो खासियत होंगी, आइदर इन क्यू और यदि वो रैशनल नहीं आता है तो क्या होगा। यदि वो रैशनल नहीं आता है देखो क्या होगा, यहां से आप वाई की वैल्यू निकालोगे, इसमें रखोगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके सारे के सारे कोएफिशिएंट रैशनल होंगे। बना के देख लो बच्चों, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो आपका सॉल्यूशन इस प्रकार का आता है। यहां पर जो ये कोफिशियंट कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लिए जाएंगे ये सारे रैशनल लिए जाएंगे क्योंकि रैशनल होंगे। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इस पूरी चीज को यदि मैं अल्फा वन मान लूं तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी क्या होगा जी, अल्फा वन का स्केयर होगा और रैशनल होगा। हमें जो फील्ड एक्सटेंशन की समझ है वो कहता है कि इस इक्वेशन का रूट रैशनल नहीं है। जब पहले पहले कहते पहले तो इधर रैशनल होगा, यदि इस रूट इसका रैशनल नहीं होगा तो इसका रूट इस प्रकार होगा, होगा तो इस प्रकार होगा, तो ये रूट इसको यदि मैंने क्या माना है जी, रूट अल्फा, ये रूट इस एक्सटेंशन में पाया जाएगा वेयर ये अल्फा वन का स्केयर कहां होगा, क्यू में होगा।
मैंने कहा एक लाइन ने एक सर्कल को काटा, पहले लाइन ने लाइन को काटा, फिर लाइन ने सर्कल को काटा। लाइन ने सर्कल को काटा तो या तो पॉइंट जो होगा वो क्यू में होगा, क्यू में नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें होगा तो ये जो अल्फा वन का स्केयर है वो क्यू में होना चाहिए। अब दूसरी बात करता हूं, तीसरा, टू सर्कल्स, अब दो सर्कल आपस में काट रहे हैं तो क्या होने जा रहा है, दो सर्कल काटेंगे तो ठीक है, ये पहले सर्कल की इक्वेशन, ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन, दोनों को पहले सेपरेट कर लो तो इसका बिहेवियर ज्यादा कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन की तरह ही हो, अब इनमें से एक सर्कल ले लो और एक स्ट्रेट लाइन ले लो। एक्चुअली होगा क्या, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये जो है ये लाइन आ गई है। अब या तो ये सर्कल ले ले या ये सर्कल ले ले, ये सर्कल जब स्ट्रेट लाइन को काटेगा तो भी ये पॉइंट निकलेगा। ये केस वही हो गया जो पिछले क्वेश्चन में था। यदि इसमें से ध्यान से देखें तो G1, G2, F1, F2 और D1, D2 रैशनल है, रैशनल है, तो ये सर्कल के कोएफिशिएंट भी रैशनल होंगे और स्ट्रेट लाइन के कोएफिशिएंट भी रैशनल होंगे। तो केस टू के मदद से हमने क्या कहा था, या तो इसके रूट्स क्यू में लाई, ये पॉइंट क्यू में लाई करेंगे, क्यू में नहीं तो इसमें लाई करेंगे, वेयर अल्फा वन स्केयर किस में लाई करेगा जी, इस क्यू में लाई करेगा। ये बात तो जब थी जब आप क्या लेके चले हो, अपनी फील्ड को क्यू लेके चले हो। यदि क्यू फील्ड ली है तो लाइन से लाइन काटेंगे तो क्यू में आएगा, लाइन से सर्कल काटेंगे तो क्यू या क्यू रूट अल्फा, क्यू अल्फा वन फील्ड में आएगा, सर्कल से सर्कल काटेगा या क्यू में आएगा या क्यू अल्फा वन में आएगा। तो इसका मतलब हम लाइन्स और सर्कल काटते हैं तो उनका पॉइंट या तो क्यू में आएगा या क्यू की क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अभी तक हम सर्कल्स को क्यू में ले रहे थे, नाउ इफ द लाइन्स एंड सर्कल्स आर इन दिस, यानी कि उनके कोएफिशिएंट अब ऐसे हो सकते हैं, ठीक है जी। अब फिर वही बात आएगी, लाइन को लाइन ने काटना, लाइन को सर्कल ने काटना, सर्कल ने सर्कल को काटना, हो सकता है कि जो पॉइंट्स होंगे वो या तो क्यों इसमें होंगे, यदि इसमें नहीं होंगे तो इसकी एक्सटेंशन इसमें होंगे, वे यार जो नया एलिमेंट डाला है उसका स्केयर क्यू अल्फा वन में होना चाहिए। इस प्रकार हम कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे, पहले हमने अल्फा वन कंस्ट्रक्ट किया, फिर अल्फा टू कंस्ट्रक्ट किया, इस प्रकार हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, ठीक है, हमें अल्फा वन मिला, अल्फा टू मिला, अल्फा थ्री मिला, अल्फा एन मिला। अल्फा वन जो मिला, अल्फा वन का स्केयर क्यू में होगा, अल्फा टू का स्केयर क्यू अल्फा वन में होगा, अल्फा थ्री का स्केयर क्यू अल्फा वन अल्फा टू में होगा, क्यू अल्फा एन का स्केयर क्यू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन में। यदि हम ये कंस्ट्रक्शन करते करते हम इस सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं, सच दैट अल्फा इसमें लाई कर जाए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है। अब बच गया इसका कन्वर्स, ठीक है बेटा, कन्वर्स, लेट
एल बी, यानी कि देखो ना ये जो फील्ड बनी है ना, ये फील्ड ये कंस्ट्रक्टेबल की बनती आ रही है। लेट एल बी द फील्ड ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स, देन हम मान लेते हैं कि क्यू बड़ा होगा और एल छोटा होगा, क्योंकि एक सोच है हमारी कि बिकॉज ऑल रैशनल आर कंस्ट्रक्टेबल, ये मान के चलते हैं। तो ये एल जो है दिस इज सम एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू की ये एक्सटेंशन फील्ड है, टारगेट क्या है, वी हैव टू शो दैट कि एक एफ आई फील्ड आएगी एक्सटेंशन ऑफ क्यू जो सबसेट होगी एल का फॉर ऑल आई। यदि आई की वैल्यू जीरो होती तो क्या होता, तो एफ आई की वैल्यू कुछ और नहीं होती, एफ नोट जो लिखते हो हम इसको एफ नोट लिखते हैं, ये क्यू आता, क्यू एल का सबसेट है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमने मान लेते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर आई इक्वल टू आर, तो एफ आर तक ट्रू है, टारगेट क्या है, ये टारगेट है, ठीक है। यदि ध्यान से देखा जाए तो एफ आर प्लस वन वास्तविकता में है क्या, एफ आर वन, इसका मतलब एफ आर वन ये नंबर बनेगा, इसको इतनी चीज को यदि हम कंबाइन कर दें तो वन कैन राइट एज एफ आर में ये डालना ही एफ आर प्लस वन है। यस यस। अब यहां पर दो संभावनाएं हो सकती हैं, यदि एफ आर ही एफ आर प्लस वन के इक्वल होता तो कुछ भी नहीं करना, सवाल समाप्त हो जाता। यदि एफ आर एफ आर प्लस वन के इक्वल नहीं है, कोई नहीं इक्वल नहीं है, तो जो हम नेक्स्ट एलिमेंट डालते जा रहे थे उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी इसका स्क्वायर इसमें पाया जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ आर, एफ आर इज सबसेट ऑफ एल, तो इसका मतलब ये एलिमेंट का स्क्वायर कहां पाया जाएगा, एल में पाया जाएगा। आपने एल को क्या कहा है, जिसके सारे अंदर एलिमेंट कंस्ट्रक्टेबल है। दिस इंप्लाइज दैट ये एलिमेंट कैसा है जी, कंस्ट्रक्टेबल। कल या परसों आपने थ्योरम पढ़ी थी, यदि अल्फा कंस्ट्रक्टेबल है तो उसका रूट भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, यानी कि ये भी क्या हो गया जी, कंस्ट्रक्टेबल, ये एलिमेंट कंस्ट्रक्टेबल है, वेरी गुड। इसका मतलब कंस्ट्रक्टेबल है तो ये एलिमेंट एल में है, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये एलिमेंट ये भी किस में है, एल में है, ठीक है। इन दोनों से बनने वाली स्मॉलेस्ट फील्ड जिसका नाम ये होगा, ये भी एल में होगी, क्योंकि एल इन दोनों शब्दों को कंटेन करती है, फील्ड है, इसका मतलब होता है एफ आर प्लस वन एल में कंटेन करेगी, जो कि हमारा टारगेट है। सो आवर एसर्शन इज ट्रू फॉर आर प्लस वन बाय इंडक्शन, एफ आई किस में बिलोंग कर गया, एल में, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आ गया कि एफ एन जो है एल का सबसेट होगा, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, बिलोंग्स टू एल। यदि एफ एन एल का सबसेट है, एफ एन का मतलब है nth वो जब अल्फा एफ एन में बिलोंग कर गया हो, तो इसका मतलब अल्फा इज
कंस्ट्रक्टिव, मैं एन वाली बात करना चाह रहा हूं। ये आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, यहां स्टेटमेंट है, यानी कि मैंने क्या कहा था, ये जब सिचुएशन आएगी, जब अल्फा एफ एन में, इसको आप एफ एन बोले, अल्फा एफ एन में बिलोंग कर चुका, अल्फा एफ एन में बिलोंग कर चुका है, एफ एन सबसेट ऑफ एल है, तो इसका मतलब अल्फा एल में बिलोंग कर गया, अल्फा एल में बिलोंग कर गया तो एल है कंस्ट्रक्टेबल, तो अल्फा भी हो गया कंस्ट्रक्टेबल। थैंक यू वेरी मच।